signal detection theory. Now imagine you're sitting in a crowded coffee shop and आप एक book read करने की कोशिश कर रहे हो. आसपास noise बहुत ज़्यादा है. There's a lot of background noise. People are talking, machines की sound है, music भी चल रहा है. Now suddenly you hear your friend calling your name. अब आपको वो सुनाई कैसे दे गया इतनी ज्यादा शोर में? Well, that's where signal detection theory comes into play. अब हमारा ब्रेन जो है वो साउंड डिटेक्ट करता है, किस साउंड के ऊपर उसको रिएक्ट करना है, किस साउंड के ऊपर उसको नहीं करना है रिएक्ट. जैसे बैकग्राउंड में जो कुछ भी चल रहा था वो सब कुछ हमारे ब्रेन के लिए एक नॉइज है. लेकिन हमारे ब्रेन ने डिफरेंशिएट कर ली हमारे फ्रेंड की वॉइस एंड हमारा नेम उस बैकग्राउंड नॉइज में से. ये एक सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी में आता है. सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी इज लाइक द गेम ऑफ स्पॉट द डिफरेंस. याद है बचपन में खेलते थे एक स्पॉट द डिफरेंस गेम करके, जिसमें हम टू पिक्चर्स के बीच में से डिफरेंसेस निकालते थे. दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट. हम जब भी एक साउंड को डिटेक्ट कर रहे हैं या एक कोई भी चेंज को डिटेक्ट कर रहे हैं, दैट इज सिग्नल डिटेक्शन. ये चेंज या ये साउंड एक सिग्नल है जिसको हम डिटेक्ट कर रहे हैं, इन सिंपल वर्ड्स. नाउ इमेजिन यू आर सिटिंग इन अ वेरी क्वाइट रूम, ठीक है, एंड नाउ यू नीड टू डिटेक्ट द साउंड ऑफ अ बेल. अब एक बेल की साउंड डिंग करके आएगी एंड यू नीड टू डिटेक्ट दैट. यू नीड टू टेल व्हेनेवर यू हियर दैट बेल. वो बहुत ही डिम साउंड है, बहुत ही फेंट सी साउंड है. क्या होगा, कभी कभी आपको वो बेल की साउंड एग्जैक्टली पता चल जाएगी कि हाँ ये बेल रिंग करी है, एंड दैट्स द करेक्ट आंसर. कभी कभी आपको ऐसा लगेगा कि बेल रिंग करी है बट बेल वॉज नॉट रिंगिंग, सो वो एक फॉल्स अलार्म हो गया. कभी कभी ऐसा भी होगा कि बेल रिंग कर रही है लेकिन आपको नहीं पता चला, वो मिस हो गई. सो दिस थ्योरी बेसिकली हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड हाउ आवर सेंसेस वर्क. एंड ये सिर्फ हमारे सेंस ऑर्गन्स की सेंसिटिविटी नहीं चेक करती बल्कि ये भी देखती है कि हमारा ब्रेन कैसे डिफरेंशिएट करता है मल्टीपल सेंसेस में से इम्पोर्टेंट सेंसेस को, जिसपे वो रिएक्ट करता है. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी.